जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हो आखिर क्यों भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की कथा, जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। एक बार एक ब्राह्मण अपने चार पुत्रों के साथ महादेव की तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक दूसरा नाम का असुरा पहुँचता है। उसने देवताओं तक को प्रार्थ कर रखा था। दोसन ने उन्हें यज्ञ रोकने के लिए कहा, परंतु शिव भक्ति में लीन उन ब्राह्मणों ने उस असुर की बातों को अनसुना कर दिया, जिससे वह काफी क्रोधित हो जाता है और ब्राह्मणों को मारने का निश्चय करता है। वह असुर उन ब्राह्मणों को मारने ही वाला था, तभी जमीन से एक ज्वाला उत्पन्न हुई। वह ज्वाला कोई और नहीं बल्कि महाकाल के रूप में स्वयं भगवान शिव ही थे। महाकाल ने दूसन को चेतावनी दी और वहां से चले जाने को कहा, परंतु दूसन नहीं माना। इस पर महाकाल ने केवल अपनी गर्जना से ही दूसन और उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। सभी देवता यह देखकर भगवान शिव पर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। इसके पश्चात भगवान शिव ब्राह्मणों को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हे महादेव, आप इसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा करें। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर महाकाल ने स्वयं को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित कर लिया, जिसे आजकल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। इस कथा का वर्णन महाशिव पुराण के कोटिरुद्ध संहिता के 16वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल धर्मयुग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।